हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम देखेंगे कल के लिए निफ्टी की स्ट्रेटेजी। तो जैसे मैंने कहा था, हमने एक लड़वा देखा आज, लगभग 550 पॉइंट नीचे बंद हुए हैं। 16,810 पे लगभग 3.15% डाउन बंद हुआ है निफ्टी। और आप देख सकते हो कि एक बड़ी रेड कैंडल फॉर्म हो चुकी है वीकली चार्ट पे, और ये वीक का पहला ही दिन है। तो यहाँ जो है, तो हमें जो एक्सपेक्टेड था वो ऑलरेडी हो चुका है। अभी यहाँ देखना है कि ये फॉल और ज़्यादा बढ़ेगा या नहीं। तो चलो देखते हैं, वीडियो को एनालाइज करते हैं, चार्ट को एनालाइज करते हैं, और देखते हैं वीडियो में आगे कि निफ्टी में ट्रेड क्या हो सकता है और कल के लिए निफ्टी का स्ट्रेटजी क्या हो सकता है। तो वीकली चार्ट पे आप देख सकते हो कि हमने सुपर ट्रेंड तोड़ दिया है, तो इसका मतलब कम से कम दो कैंडल तो भी रेड तैयार होगी यहाँ। तो यहाँ जो है, तो जब तक मार्केट मुझे लगता है कि मार्केट जो है, तो 16,400 कम से कम ये टारगेट होना चाहिए। और अगर ये जो प्रॉब्लम है रशिया और यूएस का, ये बहुत ही डीपन होता है, तो मेरा टारगेट रहेगा 14,950। ये दो टारगेट रहेंगे विथ अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू। तो फिलहाल मेरा जो टारगेट इस फॉल का, ये रहेगा 16,400 के अराउंड। तो अभी देखते हैं डेली चार्ट। तो डेली चार्ट पे आप देख सकते हो कि यह भी सुपर ट्रेंड तोड़ दिया है। इसका मतलब हमें जो है, तो कम से कम दो तीन दिन रेड कैंडल दिखाई दे सकती है। और यहाँ मेरा सेल ऑन राइज व्यू रहेगा, सेल ऑन राइज करना है, मगर यहाँ जो है तो वोलेटिलिटी बहुत ही ज़्यादा रहेगी, तो इसलिए हम ऑप्शन से खेलेंगे। ऑप्शन में भी जितना हम लेते हैं उससे 1/4 ही पोजिशन बनाएंगे। तो यहाँ वोलेटिलिटी की वजह से हमें जो है, तो अच्छे खासे गेन देखने को मिलेंगे अगर हमारे डायरेक्शन में इंडेक्स जाता है। अगर नहीं जाता है तो ऑलरेडी पोजिशन साइज कम होने की वजह से अगर स्टॉप लॉस भी ट्रिगर होता है तो उतना फर्क नहीं पड़ेगा अकाउंट पे। तो आपको ये स्ट्रेटजी यूज़ करनी चाहिए। और यह जो है, तो मुझे लगता है कि अभी आने वाले एक दो चार दिनों में या फिर इस हफ्ते के लिए अगर ये इशू डीपन होता है या फिर ये जोर पकड़ता है, तो हमारे जो टारगेट रहेंगे ये रहेंगे 16,700। और उसके बाद में जो है, तो 16,000 की टारगेट हम निफ्टी पे पकड़ के चलेंगे। जैसे ही 16,700 का लेवल टूटेगा, निफ्टी तोड़ देगा, हम जो है तो एक शार्प सेलिंग देखेंगे और कंटिन्यूस सेलिंग देखेंगे। जो भी सेलिंग आएगी ये उससे भी बदतर होगी जो आज हुई है। तो यहाँ जो है, और जिस तरह से ये बेच कर गए हैं इस, यहाँ जो है तो बीच बीच में शॉर्ट कवरिंग रैलीज भी आएंगी, तो उन रैलीज को आपको फिर से शॉर्ट करने के लिए यूज़ करना है विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, और वो ज़्यादा वोलेटाइल रहेगी। तो यहाँ स्टॉप लॉस बहुत बार आपके ट्रिगर हो सकते हैं। अगर आपको ये सब नहीं करना है तो सिर्फ मज़ा लीजिए मार्केट का, वेट एंड वॉच, और बाद में जब क्लियर डायरेक्शन आ जाएगा तब ट्रेड लीजिए, या फिर ऑप्शन के साथ ले सकते हो। ऑप्शन को जो है, एक लॉट लीजिए, दो लॉट लीजिए और उसको हीरो टू जीरो मान के चलिए। आपको उसमें इतने अच्छे गेंस देखने मिलेंगे। अगर आपने निफ्टी का 17,300 का कॉल ऑप्शन लिया होता जो फ्राइडे के दिन 100 रुपये में बिक रहा था, आज उसने 500 का हाई लगाया, तो आपका 100 रुपये बन गया 500 रुपये, आपको 4x रिटर्न मिल गए एक ही कॉल, एक ही पुट में। तो ये है पावर ऑप्शन की। तो मोमेंटम में ऑप्शन, जब मोमेंटम रहता है मार्केट में, तब ऑप्शन में ट्रेड करना सबसे बढ़िया वक्त होता है। और मुझे लगता है कि अभी मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है ऑन वीकली एंड मंथली चार्ट। तो ये जो है, तो यहाँ तो आपको दो तीन महीने अच्छे खासे मिल जाएंगे ऑप्शन में खेलने के लिए, अगर आप बराबर से आपका रिस्क प्रोफाइल जो है तो एडजस्ट करते हो, या फिर जो रिस्क मैनेजमेंट है आपका वो सही रहता है, तो आपको अच्छे खासे गेन देखने को मिलेंगे। मगर यहाँ एक बात ध्यान रखनी चाहिए, वोलेटिलिटी हाई रहेगी तो स्टॉप लॉस भी ज़्यादा जाएंगे। तो उस तरह से आपको आपका रिस्क हेज करना पड़ेगा, और उस तरह से आपकी ट्रेडिंग जो है तो प्लान करनी होगी। अब यह आवरली चार्ट पे देख सकते हो आप, हमने शुरुआत गैप डाउन की, वहाँ से कंटिन्यूस थोड़ा सा साइडवेज हुए दो तीन कैंडल, और उसके बाद में फिर से जो है तो हेवी सेल ऑफ आया। और अब ये जो हम ट्रेड कर रहे हैं, हम पिछला जो महीने का लो था उसके नीचे ट्रेड करें, और ये एक बेरिश साइन है। अगर इसके नीचे हम सस्टेन करते हैं, जब तक हम 16,850 के नीचे सस्टेन करते हैं, तब तक हमें अच्छा खासा सेलिंग देखने को मिल सकता है। तो यहाँ आपको बेरिश व्यू लेना है जब इंडेक्स 16,850 के नीचे जाएगा, तो ही जिनको सेफ साइड सेल करना है तो उनको जो है 16,850 के नीचे सेल करना है, 900 का स्टॉप लॉस, या फिर 950 का स्टॉप लॉस पकड़ लीजिए क्योंकि वोलेटाइल रहेगा, तो 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस, और यह टारगेट बनेंगे 16,400 से लेकर 16,000 के। अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो रिवर्सल आ सकता है मार्केट में,
जो मार्केट को लेकर जा सकता है 17,350 से लेकर 17,500 के लेवल की तरफ। तो जैसे मैंने कहा, यह बहुत ही वोलाटाइल एनवायरनमेंट रहेगा, मगर मेरा जो व्यू रहेगा, मैं मोस्टली सेल ऑन राइज ही यूज़ करूँगा। तो जैसे ही मार्केट बाउंस बैक करता है, मैं फिर से एट द मनी पुट लेकर उसको ट्रेड करना चाहूँगा। और बाउंस बैक कहाँ तक आता है उसको वेट करेंगे, जैसे ही बाउंस बैक फेल होता है उसके बाद में ही उस पुट में एंटर करेंगे। और मुझे लगता है कि यहाँ से जो है तो बड़े बड़े बाउंस बैक भी आ सकते हैं, मगर उनको सेलिंग के लिए यूज़ करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से सेलिंग हुई है, मुझे लगता है कि इस बार जो है तो शायद इंडेक्स एक बार तो भी 200 दिन का जो एवरेज है उसको तोड़ने की कोशिश करेगा और नीचे जाएगा। तो यहाँ मेरा सेल ऑन राइज व्यू रहेगा। जिन्हें सेफ खेलना है, 850 के ही नीचे से शॉर्ट रहे, 400 और 16,000 के टारगेट पकड़ के चले। यहाँ जो इस सिनेरियो में आपको जो है 16,850 का पुट ऑप्शन खरीदना है, एट द मनी का पुट ऑप्शन खरीदना है, उसमें सेम स्टॉप लॉस रहेगा। अगर फ्यूचर जो है तो 950 पे जाता है तो उस ऑप्शन में जो भी लॉस होगा वो लेकर आपको निकल जाना है। आपको उसमें लगभग 2-3x गेंस देखने को मिलेंगे। अगर 16,000 पे जाता है तो वहाँ उस लेवल पे हमें शायद 7-8x भी गेंस देखने को मिल सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन ऑप्शन कौन से सीरीज का है उस पर डिपेंड करेगा। और ऊपर की तरफ जो है तो मल्टीपल रेजिस्टेंसेस है। पहला रेजिस्टेंस रहेगा 17,050 का, जो पिछला वीक का लो था। उसके बाद में मेजर रेजिस्टेंस है 17,300, उसके बाद में 17,500। तो इन लेवल पे अगर बाउंस बैक आता है मार्केट में तो हम सेलिंग करने के लिए यूज़ करेंगे। फ्यूचर में भी सेल कर सकते हो और ऑप्शन के साथ भी खेल सकते हो, पुट लेकर या फिर कॉल बेचकर। मैं मोस्टली कॉल बेचना नहीं चाहूँगा उसके बजाय में, क्योंकि अभी जो है तो विक्स बढ़ा हुआ है, तो कॉल बेचने में कोई ये नहीं बनता है, सेंस नहीं बनता है। तो उसके बजाय मैं पुट खरीदना पसंद करूँगा, क्योंकि यहाँ जो है तो प्रीमियम ड्रॉप डाउन नहीं हुए और यहाँ जो है तो आपको कुशनिंग मिलेगी प्रीमियम्स में। और जैसे ही आपके डायरेक्शन में स्पाइक आता है मार्केट में, आपको जो है तो अच्छे खासे गेन देखने को मिलेंगे। आज भी इंट्राडे में जो 16,700 का पुट था वो 100 रुपये से लगभग 230 रुपये हुआ है इंट्राडे में। तो ये, और ये मैं वीकली ऑप्शन की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ हमारा सेल ऑन राइज व्यू रहेगा, बेयरिश व्यू रहेगा, और मुझे लगता है कि इस बार शायद निफ्टी जो है तो 200 डेज एवरेज तोड़ देगा। मगर यहाँ वोलेटिलिटी दोनों साइड खेलने को मिलेगी, मगर आपको एक डायरेक्शन पकड़नी है और वो मेरी डायरेक्शन रहेगी सेल ऑन राइज विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। तो आई होप सो कि जो एनालिसिस है कल के लिए आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बाकी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।